हट जा, ओ हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के ने, तू हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के ने। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ है यार, जल्दी बताओ, मेरा चार्जर कहाँ है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यार कि आखिर में हम सभी लोग कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं और कौन सी ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए। जिससे यार देखो, जैसा कि आपने इसको सुन ही लिया कि बेचारा परेशान है चार्जर खोजने के लिए, तो ऐसे आप सभी लोग, हम सभी लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे यार हम सभी लोगों का स्मार्टफोन तो यार जल्दी जल्दी चार्ज तो हो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी बहुत जल्द उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इसी टॉपिक के बारे में कुछ ऐसे सॉल्यूशन आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले यार गलतियां समझ लेते हैं कि आखिर में कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं हम लोग स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाते समय। सबसे पहले यार गलतियां ये होती है कि जब हम सभी लोग अपना स्मार्टफोन चार्ज लगाते हैं तो उसका कवर नहीं निकालते हैं, यानी जो उसने स्मार्टफोन पर कवर लगाए रहते हैं, कपड़ा जो भी हो अपना लगाए रहते हैं, उसको निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब अपने हम लोग सभी लोगों का स्मार्टफोन जब हीट करता है, क्योंकि देखो यार जब चार्ज मोबाइल को हम लोग चार्ज लगाते हैं, यानी जब उसको पावर देते हैं, तो पावर देने पर उसमें कुछ ना कुछ उसमें गर्मी, उसमें उसका हीटिंग प्रॉब्लम होता ही होगा। तो हीटिंग जो है, गर्मी होता है, उसको बाहर निकलना चाहिए। और अब जब आप सभी लोग उस पर जब उसको बाहर निकलना चाहिए और उसके ऊपर से आप लोग क्या करते हो, कवर लगा रहते हो, तो कवर लगाने से क्या होता है, उसका हीटिंग बाहर नहीं निकल पाता। तो यार ऐसी गलतियां हम सभी लोग कर देते हैं। अभी मैं आगे आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दूसरी गलती क्या होता है कि जब हम सभी लोग अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाते हैं, तो चार्जिंग लगाते वक्त एयरप्लेन मोड या स्विच ऑफ मोबाइल को नहीं करते हैं। ये तो गलतियां होती हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन भी आपको आगे ही मिलेगा। तीसरी गलती, जब हम सभी लोग अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाते हैं, तो चार्जिंग लगाते वक्त जल्दी जल्दी में मोबाइल खत्म हो रहा है, पबजी खेलना है, ये सब खेलना है, वो खेलना है, तो जल्दी जल्दी में मोबाइल जब चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो कोई भी सामने चार्जर आया, लगाया और मोबाइल चार्ज करने लगा। ये तो गलतियां हो गई। अब चौथी गलती क्या करते हैं हम सभी लोग, और भी आगे की गलतियां देखिए समझ लें। जब हम सभी लोग अपने स्मार्टफोन को चार्ज लगाते हैं, तो फलाना डिबक का जो भी पावर बैंक रहता है उसमें खोस देते हैं और चार्ज करने लगते हैं मोबाइल। अब आगे की गलती क्या करते हैं कि देखो यार, हम सभी लोग एक लैपटॉप यूजर हैं, डेस्कटॉप जो भी हो हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हम सभी लोगों को स्मार्टफोन की भी जरूरत पड़ती है। तो उस समय क्या होता है कि जब हम लोग अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को जो भी है उसको चलाते हैं, तो बाय द कभी ना कभी देखो यार मोबाइल का चार्जिंग खत्म होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि हम डेटा केबल लिए रहते हैं और लगाएं मोबाइल में और इसमें लगाएं, दोनों में लगा के मोबाइल चार्ज करने लगे। तो यार इससे क्या होता है कि जब हम सभी लोग अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं, क्योंकि देखो यार मोबाइल का पावर कितना है और लैपटॉप का पावर कितना है, मोबाइल का पावर कितना है और पावर बैंक का पावर कितना है, तो ये सब मायने रखता है। तो जितना उसका पावर है उसी के अनुसार उसे उस जगह पर मोबाइल को चार्ज लगाइए। यानी आप जो मोबाइल फोन चार्जिंग लगाते हैं, तो अधिकतर प्रयास करिए कि आप लाइट से मोबाइल को चार्ज करें। ये काफी बेहतर होता है अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल करने के लिए, चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब सोल्यूशन इसका आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल को चार्ज करते समय कवर निकाल दीजिए। दूसरी गलती, जब भी आप अपना स्मार्टफोन मोबाइल को चार्ज पर लगाएं, तो एयरप्लेन मोड या स्विच ऑफ को फोन कर दें, तभी मोबाइल को चार्ज लगाएं। तीसरी गलती, अनावश्यक किसी भी तरह का कोई भी चाहे फालतू की चीजें, फालतू का डेटा केबल से आप मोबाइल मत चार्ज करिए, कंपनी के मोबाइल से चार्ज करिए। अगर बाय द वे अगर आपका कंपनी का चार्जर बेकार हो गया है, तो आप जाइए वहाँ सर्विस सेंटर से या अन्य जगह से आप उसको खरीद कर लाइए, तभी अपने स्मार्टफोन को चार्ज करिए। और सबसे चौथी गलती क्या करते हैं, देखो यार हम सभी लोग जब कहीं पर ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते वक्त क्या होता है कि हम सभी लोग मोबाइल का चार्जिंग लगाते वक्त और चार्जिंग लगाने के वक्त वहीं सामने रख देते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो इससे क्या होता है कि मोबाइल में हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे जल्दी जल्दी क्या होता है, मोबाइल का ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है, और साथ साथ आपका जो स्मार्ट चार्जिंग रहता है वो बहुत जल्दी खिसता हुआ चला जाता है। और इससे यार जानते हो कि क्या परेशानी होती है। और आगे की सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई जो पावर बैंक है या लैपटॉप है या अन्य जगह से आप मोबाइल मत चार्ज करिए। तो दोस्तों यही थी सारी कुछ टिप्स आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दिल की जो प्यारी प्यारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आज नहीं सुनूंगा।